तो हुआ ऐसे कि एक बच्चा लास्ट मंथ आइल्स का एग्जाम देता है और जब स्कोर आता है उसका स्पीकिंग में स्कोर वो 5.5 रह जाता है। देन वो बच्चा मेरे पास आता है तो मैं जस्ट 5 डेज बाद उसका एग्जाम दोबारा फिल करता हूँ। और 5 डेज बाद जब भी उसकी स्पीकिंग थी उसने स्पीकिंग दी और उसका स्पीकिंग का स्कोर हुआ 7 बैंड। तो ऐसा क्या हुआ उन 5-6 दिनों में उसका जो स्कोर था उसमें जो डिफरेंस आया 1.5 बैंड का आया। तो यहाँ पे मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा भी 8 बैंड या 9 बैंड दिलवाऊंगा। हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा भी ये चीज जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आप 6.5+ बैंड तक अपनी स्पीकिंग में जा सकते हो। तो मेन दिक्कत क्या थी, उस बच्चे को बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे। वो जस्ट एक भेड़ चाल का एक पार्ट बन चुका था जैसे ज्यादातर इंस्टीट्यूट में चलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ओल स्पीकिंग कवर करवाऊंगा। पार्ट 1 में क्या रहता है, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों के तीनों पार्ट को कवर करवाऊंगा। कंप्लीट स्पीकिंग में जो स्ट्रेटजीज हम यूज करवाते हैं बच्चों को वो आपको करवाऊंगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आपका पार्ट 1 आता है। देखो पार्ट 1 में आपको नॉर्मली पता ही है सभी बच्चों को भी पार्ट 1 में क्या रहता है। पार्ट 1 में जो एग्जामिनर है आपसे इंट्रो के क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपके बारे में क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, मतलब क्या खाते हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती, कुछ भी हो सकता है आपके बारे में। टाउन, फैमिली, आपकी हैबिट, स्कूल्स, आपकी कंट्री के बारे में भी, आपके क्या क्या इशू है, क्या विचार है, वो सब चीजें। तो ये इंट्रो रहती है, इसमें क्या रहता है, ये आपके 5 से 6 क्वेश्चंस पूछेगा एवरेज, ज्यादा भी पूछ सकता है, एग्जामिनर पे डिपेंड है। अब मैं आपको मोटी मोटी चीज बता देता हूं भी, इसमें जो मकड़ की बुक है उसमें से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एवरेज चीजों के बारे में बता रहा हूं यहाँ पे। ऐसा नहीं भी सभी के साथ ही ऐसा होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होगा जब मैं आप बताने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले जो इंट्रो में क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो मतलब डू यू लाइक और डिसलाइक, डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, मतलब लाइक और डिसलाइक वाला क्वेश्चन आपको 90% चांस है देखने में मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से उनका आंसर देना आना चाहिए। बी डू यू लाइक और डिसलाइक वाले क्वेश्चन को आप कैसे कैसे आंसर कर सकते हो। देखो इंट्रो में क्या रहता है, आपको 1 से 2 लाइन में आंसर देना है और ट्राई किया करो इन 1 से 2 लाइंस में आपकी रेपिटेशन ना हो, एटलीस्ट इंट्रो में तो ना हो। ठीक है, अब देखो लाइक वाले को कई बच्चे तो सीधे ही कह सकते हैं यस आई लाइक टू वॉच मूवीज। ठीक है, अब लाइक का लाइक आपका रेपिटेशन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे वर्ड लगा सकते हैं आई लव टू वॉच मूवीज, या फिर आप बोल सकते हैं आई अडोर टू मूवीज, मतलब बहुत ही ज्यादा मेरा लगाव है, या वैसे कह सकते हो। ठीक है, आई अडोर टू वॉच मूवीज, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट, आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन मूवीज। ठीक है, तो ये 3 आपके जो आंसर देने के तरीके हैं ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ये आपके काम आएंगे। एक तो आपकी रेपिटेशन नहीं होगी और इंप्रेसिव आंसर जाएगा, और दूसरी बात थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर दिया करो, जस्ट आई लव टू वॉच मूवीज कह के आपका काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, स्पेशली ऑन वीकेंड्स, तो ऐसी चीजें कुछ ना कुछ थोड़ा सा बीच में ऐड कर दो, वो आपके आंसर को और इंप्रेसिव बना सकती है। सीधा पॉइंट पे एक लाइन का आंसर देके चले जाओगे तो वो कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। देखो आपकी नॉलेज का बिल्कुल टेस्ट नहीं है स्पीकिंग, स्पीकिंग टेस्ट है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का। आप झूठ बोलो, आप कुछ भी करो, उसको कोई मैटर नहीं करता, उसको मैटर करता है भी जो आप इंग्लिश बोल रहे हो वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता भी, हाँ भी आपको पसंद है तो ही आपने बोलना है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आता ही आता है लाइक और डिसलाइक वाला। ठीक है, ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। दूसरा क्वेश्चन जो ज्यादातर आता है
वो है ऑफन वाला। ऑफन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर ही। हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी, मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है, भी कब जाते हो। ठीक है, अभी इसका आंसर आप दो तीन तरीकों से दे सकते हो। एक, अगर आप बहुत ज्यादा जाते हो, मतलब आप बहुत ज्यादा जाते हो, तो आप वहां पे बोल सकते हो फ्रीक्वेंटली, आई फ्रीक्वेंटली वॉच मूवीज, रोज जाते हो, यूजुअली, डेली, इन वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा जाते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा कम जाते हो, बहुत ही ज्यादा कम, तो आप यहां पे रेयरली वर्ड यूज कर सकते हो, रेयरली, आई रेयरली वॉच मूवीज। अगर आप हफ्ते में एक दिन या मंथ में एक दो दिन जाते हो, तो उस हिसाब से अपना आंसर दे दो। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ। तो ऑफन से रिलेटेड जो ज्यादातर क्वेश्चन है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनका आंसर आप ऐसे ऐसे दे सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा जाते हो यूजली डेली, कम जाते हो बहुत ही कम, तो रेयरली, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ, इन क्वेश्चंस के आंसर आप ऐसे दे सकते हो। ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये मैं आपको 90% श्योरिटी देता हूं भी, लाइक अगर 10 बच्चे जा रहे हैं, तो 9 में 9 बच्चों को ओपन वाला और लाइक और डिसलाइक वाला आंसर पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और जो इसके बाद थर्ड चीज आती है, वो आती है आपकी, वो प्रेफरेंस भी पूछ सकते हैं। प्रेफरेंस का मतलब है कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है आपसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस वो पूछें। कंपैरिजन मींस लाइक, डू यू लाइक टू वॉच मूवीज इन एट होम और इन अ सिनेमा, मतलब वो आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछ रहा है भी, आपको घर पे मूवी पसंद है देखनी या सिनेमा, आपको टी पसंद है या आपको कॉफी पसंद है, आपको शॉपिंग सुपरमार्केट में पसंद है या स्ट्रीट मार्केट में, आपको गांव में रहना पसंद है या शहर में, आपको बस से ट्रैवलिंग करना पसंद है या बाइक पे, मतलब कंपैरिजन, दिस और दिस, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो इनका आंसर आप दो तरीकों के साथ दे सकते हो। एक तो आप इनको कह सकते हो, आई गिव मोर प्रेफरेंस टू वॉच मूवी एट होम, आई गिव मोर प्रेफरेंस टू वॉच मूवी एट होम रेदर देन इन ए सिनेमा हॉल। उसके बाद रीजन दे दो, बिकॉज बिकॉज इट इज ए चीपेस्ट एंड कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल वे टू वॉच मूवी एट होम। ठीक है, तो इसके बाद अपना रीजन दे दो। तो एक तो तरीका है, आई गिव मोर प्रेफरेंस टू दिस रेदर देन दिस। ओके, एक तरीका है, आई चूज दिस ओवर दिस, आई चूज होम इज अ गुड प्लेस टू वॉच मूवीज ओवर सिनेमा हॉल, आई चूज होम ओवर द सिनेमा हॉल, सीधा भी बोल सकते हो। तो दो तरीकों के साथ आप अपने इस कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो वेरी इजीली। एक तो लाइक और डिसलाइक वाला, ओपन वाला, कंपैरिजन वाला, और इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आ सकते हैं लाइक, उसमें क्या रहता है, आपको काइंड ऑफ वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, काइंड ऑफ वाले, व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस आर फेमस इन योर कंट्री, What kind of food do you like to eat? What kind of education do you like to take in your college? Like kind of वाले क्वेश्चन। ठीक है, उनमें से आपको लाइक कोई एक आधी चीज बतानी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी कंट्री के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक लाइन ऐसी इसमें ऐड कर दो, स्पेशली इन द स्टार्टिंग, जो आपकी कंट्री की डाइवर्सिटी को बता रहे हैं। Like what kind of places do you like to? Actually, India is a diverse country, but according to me, आपको पूछ रहा है ना वो, आपको, so according to me, Taj Mahal is the biggest place as a tourism. Okay, like अगर वो आपसे food के बारे में पूछे, what kind of food? Everyone has their own taste, but according to me, I love to eat Chinese food.
स्पेशली नूडल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने एक अपनी स्टार्टिंग में एक लाइन ऐड करनी है, देन उसको जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना है आपने। तो आपको जो मैं यहाँ पे कोई इंग्लिश बोलनी नहीं सिखा रहा, बट मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ भी इंट्रो में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्यू कार्ड में क्या रहता है, फॉलोअप्स में क्या रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको स्पेशली ये चार चीजें हैं जो आपको पूछी पूछी जाएंगी, तो इन चीजों पे अपनी जो पकड़ है वो स्ट्रोंग कर लें, लाइक और डिसलाइक वाला, ऑफन वाला, काइंड ऑफ वाला और कंपैरिजन वाला। और आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा यस में ही आंसर देना नहीं होता इंट्रो में, यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑफकोर्स नहीं, कई बार नो में भी आंसर देना पड़ जाता है। लाइक अगर वो आपसे पूछे डू यू लाइक टू ईट नॉन वेज, तो आपको नो में भी आंसर देना आना चाहिए। आपकी इंग्लिश की स्किल्स की प्रैक्टिस है ना, इंग्लिश की स्किल्स का टेस्ट है आपका, तो यस यस कहना ही नहीं पड़ सकता, नो भी कहना पड़ सकता है। तो नो जब भी कहना है तो आपने तरीके के साथ कहना है, सीधा नहीं नो आई डोंट लाइक, ऐसा नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन नॉन वेज, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन नॉन वेज बिकॉज ऑल ऑफ माई फैमिली ईट वेजिटेरियन फूड, दैट्स इट। टू बी ऑनेस्ट, सच सच में बताऊं, या फिर आप यहां पे बोल सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसे वर्ड लगा के आप नो वाला आंसर देना चाहो तो दे सकते हो, देना चाहिए। आई थिंक उनको ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, ठीक है, बहुत कम बच्चे देते हैं, लेकिन आप ट्राई करो भी, अगर लाइक डिसलाइक वाला आए या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें नो आप बोल सकते हो उसमें बोला करें, ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी क्यू कार्ड की। तो इंट्रो में आप इन दो तीन चार चीजों का ध्यान रख लें, अच्छा आएगा इंट्रो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस ओके रखें। देखो अब बात करता हूं मैं यहाँ पे पार्ट टू की, पार्ट टू जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। फिलहाल मैंने वीडियोस तो डाल ही दी हैं तीन चार पार्ट्स की, जिसमें मैंने आपको बताया था जो आपके क्यू कार्ड है, तकरीबन तकरीबन 90%+ जितने आपके टोटल क्यू कार्ड है मकड़ की बुक में से, वो चार चीजों में डिपेंड करते हैं, या तो वो किसी पर्सन पे क्यू कार्ड है, या किसी प्लेस पे क्यू कार्ड है, या किसी इवेंट पे है, या फिर किसी टाइम पे है। तो ये चीजें मैंने आपको बता चुका हूं, मैं पर्सन प्लेस इवेंट टाइम इन चार चीजों पे आएगा। डिस्क्राइब अ पर्सन, डिस्क्राइब अ प्लेस, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू सॉ प्लास्टिक वेस्ट, डिस्क्राइब अ पर्सन हु इम्प्रेस यू, डिस्क्राइब फेमस पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब अ प्लेस योर योर फेवरेट वन, ठीक है, प्राउडी प्लेस, मतलब मैक्सिमम जितने भी है ना, हो सकते हैं इससे बाहर हो लेकिन मैक्सिमम इस पे। तो उसमें मैंने पूरे परफेक्ट तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं कि जो पर्सन वाला आएगा उसको आप इस वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी किसी भी तरीके की। परफेक्ट वर्ड याद करो, परफेक्ट में क्या आएगा, सबसे पहले पी से आपको याद आएगा उस बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे देनी है। डिटेल में जो वीडियो है वो आप वीडियो चैनल पे जाके देख लेना, अलग अलग बनी हुई है। ई से आपको याद आएगा भी उस बंदे की एजुकेशन के बारे में बोलना, आर से आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, एफ से आप उसके फीचर मतलब नेचर के रिगार्डिंग, एक्स्ट्रा फीचर में आप उसके लाइक यहाँ पे आप फिजिकल फीचर बता सकते हो और इसमें नेचर के रिगार्डिंग, और सी से क्रिएट ए स्टोरी, एक स्टोरी बना दो, और आप टी से थिंकिंग क्या है आपकी। इससे क्या होगा, आप ब्लैंक नहीं हो पाओगे किसी भी बंदे, मान लो फेवरेट सिंगर के बारे में आ गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन दो सबसे पहले, इतनी एज है, इतना है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ठीक है, एजुकेशन उसने यहाँ से की है, एमएससी में की थी, पटियाला में की थी, रिलेशन में उसका डाई हार्ट फैन हूँ, फिजिकल फीचर वो 6 फीट हाइट है, फिटनेस फ्रीक है, डेली गो टू योगा, डेली डू टू फिटनेस फ्रीक है, डेली गो टू जिम, नेचर ही इज डाउन टू अर्थ, वेरी हेल्पफुल, डोनेट मनी टू द पुअर पीपल्स, क्रिएट ए स्टोरी, लास्ट मंथ आई गॉट ए चांस टू मैट विद हिम इन हिज कॉन्सर्ट हॉल वेयर आई इंटरेक्ट हिम फेस टू फेस, आई गॉट शॉक दैट ही इज ए वेरी हम्बल पर्सनैलिटी, ही मोटिवेटेड मी इन दिस लाइन ऑल्सो, दैट्स इट थिंकिंग, सो आई थिंक ही इज द बेस्ट एंड माई रोल मॉडल इन द फ्यूचर, इफ आई गेट एनी चांस आई विल डेफिनेटली मीट हिम अगेन। तो ऐसे आपके पास कभी ये नहीं रहेगा भी मेरे पास कोई
है, मतलब ब्लैंक हूं मैं, आपके पास पॉइंट्स रहेंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपके माइंड को क्लिक करने की बातें हैं बस। तकरीबन 15 से 16 क्यू कार्ड आपको इस पे मिल जाएंगे जो सिर्फ इस स्ट्रक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। प्लेस के बारे में वीडियो डाली हुई है नाइग्रा से, एन से नेम ऑफ द प्लेस, इन्फो ऑफ द प्लेस, ए से एरिया जहां जा रहे, जी से लाइक गुड थिंग्स, उस प्लेस की गुड थिंग्स बतानी है, ए से एक्टिविटीज क्या की आपने वहां पे, आर से रिफ्रेशमेंट्स क्या लिए आपने वहां पे, ठीक है, और ए से फिर एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या था आपका। किसी भी प्लेस के बारे में आ जाए आप यहाँ पे बता सकते। मान लीजिए चंडीगढ़, तो हमें जाना पड़ा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाले बच्चे बोलते हैं नेम ऑफ द प्लेस बता दो, थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दो, ये हमारे लाइक गाँव से 70 से 80 किलोमीटर है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, हमें 3 से 4 घंटे लगे, मेरी सारी फैमिली वहां पे गई, हम अपने पर्सनल कार में गए, हम 5 बजे चले, ठीक है, एरिया वगैरह आपने बता दिया, जी से गुड थिंग्स, व्हेन आई वी रीच देयर आई सॉ दैट द ग्रीनरी, आई गोट शॉक बाय वॉचिंग द ग्रीनरी, द मैंगो ट्रीज वर प्लांटेड आर प्लांटेड एट द बोथ साइड ऑफ द रोड्स, ट्रैफिक रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, एवरीवन फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, तो ऐसे ऐसे अच्छी सी एक्टिविटीज, लेक में गए, वहां पे गए, वहां पे कुछ भी लगा दो एक्टिविटीज में, रिफ्रेशमेंट के लिए रोमा होटल गए, एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, तो मतलब आप ब्लैंक नहीं हो पाओगे। तकरीबन आपके इसमें से भी 15 से 16 क्यू कार्ड है, और टाइम और इवेंट पे मैंने जो बना रखा है वो है वॉच्ड वाला, आप देखें जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, वॉच्ड, सॉरी यार, ठीक है, वॉच्ड वाला, ठीक है, इसमें भी आप तकरीबन तकरीबन कब गए थे, कहाँ पे था, एरिया क्या था, ठीक है, टास्क क्या करने गए थे, क्रिएट ए स्टोरी, ठीक है, एच से हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ यू हैंडल इट, ठीक है, एक्सपीरियंस आ जाएगा, और डी से आपकी जो डायरेक्ट थिंकिंग आ जाएगी, मतलब ये वीडियो देखें आपको प्रॉपर समझ आएगी, अमेजिंग रहेगी। आपको मैं यहाँ पे टिप्स ये देता हूँ, जब भी आप क्यू कार्ड को बोलते हैं ना, तो लाइक एक तोते की तरह नहीं बोलना, मैं हमेशा से एग्जांपल देता होता हूँ भी क्या रहता है, भी एक पहले चलता था दूरदर्शन, मतलब जो खबरें देते थे नॉर्मल नॉर्मल, आज चाइना में हुआ बॉम्ब धमाका, आज थी अंबानी के लड़के की शादी, मतलब चाहे कोई गमी वाली न्यूज हो, चाहे कोई लाइक अच्छी न्यूज हो, उसने सेम टोन में रखना है, वो होता है बोरिंग। अगर आपको मसाला डालना है, अगर आपको इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को, आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज आप देख लेना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वेरिएशन इन वॉइस, वेरिएशन इन वॉइस, जैसे मैं राइटिंग में आपको जड़ी बूटी देता हूँ ना, इजी टू अंडरस्टैंड, वैसे ही स्पीकिंग की जड़ी बूटी है वेरिएशन इन वॉइस। जो बच्चा ये सीख गया वो अपना एक बैंड इंक्रीज कर गया नॉर्मल बच्चे से। इसका मतलब ये है, जहां पर आपको जोर दे के बोलना है वहां पे जोर दे के बोले, जहां पे आपको नॉर्मल बोलना है वहां पे नॉर्मल बोले। आज तक वाले नहीं बोलते एकदम से, चाइना में हुआ बॉम्ब धमाका, 25 लोगों की हुई मौत, चाहे छोटी सी खबर हो मसाला डालेंगे, चीख चीख कर बोलते हैं, थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं, क्या होता है, अपने आप वहां पे इंट्रैक्शन होती है। अगर एग्जामिनर के साथ इंट्रैक्शन बनानी है, चीखना नहीं है वहां पे, कहीं चीखने लग जाओ, वेरिएशन रखनी है वॉइस में, लाइक जो मेन टॉपिक है उस पे थोड़ा सा जोर दें, जो नॉर्मल है उसको चलने दें। देर आर मैनी इंस्टांसेस इन माई लाइफ एंड आई मेट विद मैनी फेमस पर्सनैलिटी, अब मैनी फेमस पर्सनैलिटी पे मैंने जोर दिया, बट टूडे आई वुड लाइक टू शेयर माई रिसेंट एक्सपीरियंस, ऐसे टूडे आई वुड लाइक टू शेयर माई रिसेंट एक्सपीरियंस व्हेन आई गॉट चांस टू मेट विद माई फेवरेट पर्सनैलिटी, वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी मिस्टर दिलजीत दोसांझ। तो ऐसे जहां पे जोर देना जोर दें, नॉर्मल बोलना है नॉर्मल बोले, ये आपको इंक्रीज करवाएगी आपका एक बैंड, अगर आप पूरी स्पीकिंग में वेरिएशन देकर बोलने लग जाए, तो इस चीज को अपने माइंड में फिट कर लेना, और क्यू कार्ड का जो है वो आप उसमें से देख लेना, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्यू कार्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% श्योरिटी देता हूँ, और वेरिएशन इन वॉइस का ध्यान रख लेना।
अब बात करते हैं फॉलोअप्स की। फॉलोअप्स से बच्चे कुछ ज्यादा ही डरते हैं। क्या रहता है फॉलोअप्स? चीज ही ऐसी है, अभी एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं भी वो आपको क्यू कार्ड से ही पूछे। कई बार बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है, वो आउट ऑफ क्यू कार्ड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस चीज का हल क्या है? इस चीज का हल यही है, अभी आपको पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस पूरी अच्छे से होनी चाहिए, तो ही आप उनके सामने बोल सकते हो। कॉन्फिडेंस आपका ऊपर रहना चाहिए, एग्जामिनर से भी ऊपर रहना चाहिए, आपके सिर से भी ऊपर रहना चाहिए, फिर आप फॉलोअप्स को क्लियर कर पाओगे। कोई दुश्मनी नहीं है उनकी आपसे, कोई वो आपको कम बैंड देने के लिए नहीं बैठे, उसने सिर्फ आपकी इंग्लिश को एनालाइज करना है। कॉन्फिडेंस के साथ बोल गए, वेरिएशन बनाकर बोल गए, सही बोल गए, चाहे झूठ बोलो चाहे कुछ बोलो, लेकिन बोलते रहे तो बैंड आ जाएंगे। चुप रहने के बैंड नहीं है, अटकने के बैंड नहीं है, सोचने के बैंड नहीं है, स्पीकिंग है। स्पीकिंग का मतलब है बोलना, बोलने के बैंड है। तो यहाँ पे फॉलोअप्स में क्या रहता है, क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनका जो आंसर देना है आपको 4 से 5 लाइंस में ही देना है, ठीक है। पार्ट 1 जो आपका है उसमें इंट्रो है, उसमें आपको 2 बैंड मिलेंगे, क्यू कार्ड में मिलेंगे आपको 4 बैंड, दोनों मिलाकर कोई 6 बैंड, फॉलोअप बच गया आपके 3 बैंड का। अब 3 में से 2.5 बैंड, 2 बैंड, 2.5 बैंड जाने हैं, तो आपको अच्छे से बोलना पड़ेगा। अब फॉलोअप्स में क्या रहता है? फॉलोअप्स में मान लीजिए आपसे लाइक मूवीज से रिलेटेड क्यू कार्ड आ गया, या फिर फेमस प्लेसेस से ही आ गया, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेस आर फेमस इन योर कंट्री। इंट्रो में था आपसे रिलेटेड, और फॉलोअप्स में आएगा जनरल क्वेश्चंस लाइक पूरे वर्ल्ड, आपकी कंट्री, जिसमें मतलब सभी के बारे में बात करनी है। अब आपने सिर्फ अपने को लेकर नहीं, सभी को सोचकर बात करनी है, जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेस आर फेमस इन योर कंट्री, व्हाई दीज प्लेसेस आर फेमस, उनके आंसर्स देने हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं होता हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो। कई बार वो ऐसे क्वेश्चंस लाइक कई बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, टेलीस्कोप, उनके बारे में नहीं नॉलेज होती, आप उनको ऑनेस्टली बोल सकते हो, सर आई डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज चेंज द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन। आपके बैंड नहीं काटेगा, मेरे से 100% लिखवा के ले लो अगर आपने ऐसा बोल दिया, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन बोला लेकिन टेलीस्कोप के बारे में बोला और आप बिल्कुल ही गलत बोल गए, फिर नहीं बैंड मिलने वाले। मैं हमेशा कहता हूँ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आप उसको मना कर दें भी सर मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, आप अलग कोई क्वेश्चन पूछ, देखो आप उसी के बारे में अच्छे से बोल सकते हो जिसकी आपको नॉलेज है, जिसकी आपको नॉलेज नहीं है आप गलत ही बोलोगे। आप गलत बोलने का ये नहीं है, आप गलत बोलोगे का मतलब ये है आप अटकोगे, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, जिस चीज की नॉलेज ही नहीं है तो उसको बोलो भी सर नहीं है जी, टॉपिक चेंज कर दो। टॉपिक चेंज करेगा, 100% करेगा, आपके बैंड भी कम नहीं होंगे। तो ये चीज अपने माइंड में रखना भी, अगर टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो उसको बोल सकते हो आप, कभी नहीं ऐसा होगा भी आपके 5.5 जाओ नहीं नॉलेज हो जाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे वो। अब फॉलोअप्स में क्या रहता है, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, 4 to 5 लाइंस में आपने उनका आंसर देना ही देना है, ठीक है। अब फॉलोअप्स में क्या है, जो ज्यादा बच्चों की रहती है लाइक प्रॉब्लम हो रहती है, उनको लंबा नहीं बोला जाता, तो आप हमेशा ट्राई करें फॉलोअप्स में एग्जाम्पल्स देने की, एग्जाम्पल्स दें, ओके। लाइक व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेस आर फेमस इन योर कंट्री, लाइक आपने बता दिया लाइक मोस्ट ऑफ द टूरिज्म प्लेसेस या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस आर वेरी फेमस, या फिर रिलीजियस प्लेसेस आर वेरी फेमस इन माई कंट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, कुछ भी, देर रेड फोर्ट फॉर एग्जाम्पल, रेड फोर्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस इन माई कंट्री। मैनी विजिटर्स, मैनी इंटरनेशनल टूरिस्ट आर डेली विजिट देर जस्ट टू वॉच इट। एग्जाम्पल दिया करें, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका एग्जाम्पल आपने माइंड में फिट करने, फिर मुझे एग्जाम्पल देना ही देना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, पर्सनल एग्जाम्पल दो, किसी और का एग्जाम्पल दो, जनरल एग्जाम्पल दो, लेकिन एग्जाम्पल दो जिससे आपकी जो वर्ड लिमिट है वो इंक्रीज होगी।
बच्चे इसमें एग्जाम्पल नहीं देते, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दे के छोड़ देते हैं, गलत है। तो मैं इसमें आपको स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूंगा एग्जाम्पल दें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, घबराएं नहीं, फॉलोअप्स बहुत इजी होते हैं। अगर नहीं नॉलेज मना कर दें, नॉलेज है तो एग्जाम्पल दे दें, अकेला एग्जाम्पल भी दे दें तो भी चल जाएगी बात। इंग्लिश बोलनी है जैसे मर्जी बोले, लेकिन चुप ना रहे। ठीक है, तीन बैंड है, तीन में से टू 2.5 इजीली आ जाएंगे अगर आपने एग्जाम्पल्स डालना शुरू कर दिया। मैं आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं जस्ट वन थिंग, एक चीज ही इसमें आपको रेकमेंड करूंगा, एग्जाम्पल्स डाल दें अपने फॉलोअप्स में, ऑटोमेटिक ही आपका स्कोर इंक्रीज होना शुरू कर जाएगा, आपकी वर्ड लिमिट इंक्रीज होनी शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो क्या सीखा आपने? पार्ट वन में मैंने आपको चार पांच बेसिक समझाए, जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स बताए। क्यू कार्ड में मैंने आपको बताया भी किन के ऊपर बेस्ड क्यू कार्ड है, डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लस वेरिएशन इन वॉइस। और आपको थर्ड चीज मैंने बताई कि अपनी जो पार्ट थ्री है उसमें एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छे बैंड आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इन द लास्ट, मेरी राइटिंग की जो क्लास है वो कल से स्टार्ट हो रही है, मैं 15 डेज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ एकेडमिक वाले बच्चों के लिए, जिसमें 15 डेज में टास्क वन और टास्क टू कंप्लीट करवाऊंगा। हर एक तरीके का टास्क वन, हर एक तरीके का टास्क टू 15 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, आपकी जो क्लास रहेगी वो 15 डेज की रहेगी और 15 डेज की फीस रहेगी 1500। इतनी अच्छी क्लास लगाऊंगा कि इंस्टीट्यूट करने ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइटिंग के सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगा, कैसे आईडीपी बोलती है टास्क वन को, टास्क टू को कैसे लिखते हैं एकेडमिक वाले बच्चे, सबको कंप्लीटली ये चीज करवाऊंगा। एक बार आप मेरा डेमो देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़ा है, अमेजिंग क्लास रहेगी। ठीक है, मॉक टेस्ट होंगे, दो मॉक टेस्ट होंगे इन 15 डेज में, डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे अगर कोई आपकी क्लास मिस भी हो जाए तो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ज्वाइन करनी हो तो 8168321916 या फिर 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे ओनली व्हाट्सएप करना है, ऑनलाइन राइटिंग क्लास लिख के व्हाट्सएप कर देना, सारी डिटेल्स कैसे ज्वाइन करनी है आपको मिल जाएगी। ठीक है, शाम की क्लास रहेगी 7 बजे की। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।